सो गाइज होंडा बिग विंग साउथ दिल्ली पे आप आके इस बाइक की टेस्ट राइड ले सकते हो और आपको बिल्कुल इस बाइक की टेस्ट राइड लेके एक बार देखनी चाहिए। और मैं अपनी फाइनल वर्डिक्ट इस बाइक के बारे में बताऊं तो यार बिल्कुल ये बाइक मुझे बहुत प्यारी लग रही है और बहुत अच्छा भाग रही है, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। और इस वीडियो के लिए मैं स्पेशली थैंक्स बोलना चाहूंगा होंडा बिग विंग साउथ दिल्ली को। यहाँ पे आके आप होंडा की कोई भी बाइक की टेस्ट राइड लेके देख सकते हो और बिग विंग वाली सारी बाइक्स यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेंगी। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू गेट गेमोटो व्लॉग्स। और आज हमारे पास है होंडा की CB300R BS6 मॉडल। ये BS6 फेज टू कम्प्लायंट मॉडल नहीं है, लेकिन फेज टू कम्प्लायंट मॉडल अभी शोरूम पे आना स्टार्ट हो गया है और उसकी डिलीवरीज भी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है। और इस बाइक को मैं क्यों राइड कर रहा हूँ उसके पीछे रीजन ये है कि बाइक का एक शोरूम प्राइस 37,037 रुपये कम हो चुका है और ऑन रोड प्राइस इस बाइक का दिल्ली में है 2,72,000 के आसपास और एक्शोरूम प्राइस BS6 फेज टू कंप्लायंट वाले मॉडल का अब है 2,40,000, 2,40,000 रुपए। तो पहले इसका ऑन रोड प्राइस 3,00,000 रुपए से भी ज्यादा होता था, लेकिन अब ये बाइक 2,80,000 रुपए के आसपास ही आपको मिल जाएगी। आप किसी और सिटी से अगर बिलोंग करते हो तो 2,90,000 रुपए के आसपास ही इस बाइक का आपको ऑन रोड प्राइस मिल जाएगा। तो बाइक का ऑन रोड प्राइस लगभग 50,000 रुपए के आसपास कम हो चुका है और इसी वजह से अब ये बाइक 300cc नेकेड स्पोर्ट्स सेगमेंट में काफ़ी अच्छा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन बन चुकी है। क्योंकि इस बाइक का सबसे बेस्ट पार्ट है इसका स्मूथ रिफाइंड और रिलायबल इंजन। 286cc का लिक्विड कूल्ड 6-स्पीड ट्रांसमिशन वाला इसके अंदर इंजन है, जिसकी पावर 31 PS है, 27.5 Nm का टॉर्क है और 146 kg वेट है बाइक का। 150-160cc बाइक्स का जितना वेट होता है सिर्फ उतना ही वेट है इसका, जिसकी वजह से पावर टू वेट रेशो बहुत अच्छा है, टॉर्क टू वेट रेशो बहुत अच्छा है। और LED लाइट्स का आपको सेटअप देखने को मिल जाता है, LED DRS मिल जाते हैं और ये एक न्यू रेट्रो डिजाइनो स्टाइल वाली मशीन है। लुक्स डिजाइनो स्टाइल बहुत अच्छे हैं। सबसे बड़ी USP गोल्डन कलर की अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स भी हैं। ड्यूअल चैनल ABS इसके अंदर आपको मिल जाता है। सो फटाफट से बाइक को राइड करके देखते हैं कि बाइक चलने में कैसी है और अपना राइडिंग एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा लास्ट में। बाइक आपको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए इसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। ओके, सो सबसे पहले तो यार बैठते ही ना काफी अच्छा राइडिंग पोस्चर है बाइक का। जैसे आप बाइक के ऊपर बैठोगे तो राइडिंग पोस्चर आपको बहुत अच्छा मिलेगा। बाइक में काफी वाइड बार टाइप का हैंडल बार है और राइडिंग पोस्चर आपको अपराइट इसके अंदर मिलेगा। मेरी हाइट 5'7" है और मैं एक तरफ से पूरा फ्लैट फुट नीचे रख सकता हूँ। सो बाइक की सीट हाइट जो है वो 800 mm के आसपास की है। सीट हाइट बहुत ज्यादा नहीं है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी 9.7 लीटर्स की है। ग्राउंड क्लियरेंस 157 mm का है। बाकी बाइक में सब कुछ बहुत अच्छा ही है। सो बाइक के ऊपर बैठ के यार फील तो काफी अच्छा आता है और इसकी सीट की कुशनिंग भी ठीक ठाक है और पिलियन सीट के ऊपर स्पेस भी डिसेंट दिया गया है। बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं है लेकिन ठीक ठाक है, एक पिलियन आपके साथ बैठ के राइड कर सकता है। तो मैं आपको बाइक का एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ, एग्जॉस्ट नोट कैसा है बाइक का। बहुत पीसफुली ये स्टार्ट होती है और अभी सिर्फ आइडल पे इसका साउंड ऐसा है। और अब थोड़ा सा रेव करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ एग्जॉस्ट की आवाज़ आ रही है, इंजन की कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है। और यहीं से पता चल रहा है कि बाइक में कितना स्मूथ और रिफाइंड इंजन है यार। इसी इंजन की तारीफ तो मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ और होंडा अगर इसी इंजन के साथ में एक फुल्ली फेड स्पोर्ट्स टाइप की बाइक को लेकर अगर आ जाए ना तो मार्केट में बहुत अच्छा वो कमाल कर सकती है। तो बाइक को अब राइड करके देखते हैं बाइक चलने में कैसी है। यार इसका तो फर्स्ट गियर में ही पुल बहुत अच्छा ले रही है यार। ये फर्स्ट गियर में 53 भाई साहब, सेकेंड गियर में ऑलमोस्ट 79। बहुत ही तगड़ा पुल है यार, बहुत ही बढ़िया इनिशियल एक्सेलेरेशन है इस बाइक का। थर्ड गियर में ऑलमोस्ट 90 तक पहुंच जाती है और 100 के आसपास भी बिल्कुल पहुंच जाएगी। और यहाँ पे ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है यार, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा हार्श तरीके से यहाँ पे राइड नहीं कर सकता। आराम से ही राइड करूँगा, जहाँ पे थोड़ा बहुत खुला होगा रोड वहीं पर थोड़ा तेज़ बाइक को राइड कर सकता हूँ, लेकिन बाकी आराम से राइड करूँगा। तो यार इसकी क्लच बहुत ज़्यादा स्मूथ है और गियर शिफ्टिंग बहुत स्मूथ है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और एक्सेलेरेशन, इनिशियल एक्सेलेरेशन तो पिकअप तो मुझे बहुत ही भयंकर लग रहा है यार इस बाइक का। जैसे ही आप थ्रोटल दोगे तभी आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, कोई भी लैग नहीं है इसके अंदर। और इसमें मैं आपको बता दूं कि राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी इसके अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी इसके अंदर फील ऐसा होता है कि राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी है। और क्योंकि यार पंच बहुत अच्छा है, थ्रोटल का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है और उसी वजह से फील आती है कि हाँ यार बाइक तो बहुत ही भयंकर है चलने में। और फ्रंट ब्रेक्स की बात करूं तो यार फ्रंट ब्रेक्स इसके बहुत ही बढ़िया हैं, हालांकि पीछे वाले ब्रेक तो ऐसे ही हैं जैसे आजकल आते हैं सब बाइक्स के अंदर।
ड्यूअल चैनल ABS बाइक के अंदर स्टैंडर्ड है ही, और एग्जॉस्ट की भी साउंड यार बहुत ही प्यारी आती है, और यार इसका टर्निंग रेडियस तो बहुत ही बढ़िया है यार। इसका टर्निंग रेडियस एकदम हल्की बाइक है तो बड़े प्यार से मुड़ जाती है, ये कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। सो आपकी हाइट अगर कम है, आपकी हाइट अगर 5'4" 5'5" के आसपास की है, तो आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से ये बाइक बिल्कुल सूट करेगी आप पे। लेकिन अगर आपकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है, 5'8" के आसपास है या उससे ज़्यादा है, और आप थोड़े से हेल्दी हो, तो फिर ये बाइक आप पे सूट नहीं करेगी, क्योंकि ये थोड़ी सी कॉम्पैक्ट टाइप की बाइक है, बहुत ज़्यादा बड़ी बाइक नहीं है, इसका व्हील बेस भी बहुत छोटा है। सो ये एक नेकेड स्ट्रीट फाइटर आप इसको बोल सकते हो, हालांकि न्यू स्पोर्ट्स कैफे टाइप का नाम दिया है होंडा ने इसको। इसको न्यू रेट्रो वाला नाम इसलिए दिया है क्योंकि इसके अंदर आपको मॉडर्न डिज़ाइन देखने को मिल जाता है रेट्रो एलिमेंट्स के साथ में। यार मैं ट्रायम्फ स्पीड 400 राइड कर रहा हूँ पिछले 3 महीने से, मेरे पास बाइक है और वो 400 सीसी की बाइक है, और हालांकि उसका वेट थोड़ा ज़्यादा है, 176 केजी उसका वेट है और इसका वेट है 146 केजी, दोनों के वेट में 30 केजी के आसपास का डिफरेंस है। लेकिन ये बाइक मुझे किसी भी एंगल से इनिशियल एक्सेलरेशन पिकअप के मामले में ट्रायम्फ स्पीड 400 से कम नहीं लग रही है, बिल्कुल ऐसा ही फील हो रहा है कि ये उसी लेवल की बाइक है यार, और इंजन बाइक के अंदर बड़ा है। लेकिन इंजन मैं आपको बता दूं कि सिर्फ 286 सीसी का इंजन है यार इसके अंदर, बड़ा इंजन नहीं है, बहुत ही छोटा इंजन है बाइक में, और चलाने में यार बहुत मज़ा आता है यार, ये सच में एक हुलिगन टाइप की बाइक है और पॉकेट रॉकेट है यार, ये बिल्कुल ही एक पॉकेट रॉकेट है। ट्रैफिक में आप कटिंग तो बड़े प्यार से कर सकते हो इस बाइक के साथ। ब्रेक्स की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है, और बाइक की परफॉर्मेंस वैसे अगर देखा जाए तो वो भी बहुत अच्छी है। टॉप स्पीड इसकी 160 किलोमीटर पर आवर के आसपास की है, और बाइक को अगर आप प्यार से राइड करोगे तो आपको 35-40 KMPL के आसपास की माइलेज भी ऑफर कर सकती है बड़े आराम से। ये बाइक मार्केट में काफ़ी टाइम से अवेलेबल थी, लेकिन इसका प्राइस पहले जस्टिफाइड नहीं था, 2,77,000, और ऑन रोड प्राइस इसका जाता था 3,25,000 रुपये के आसपास, 3,30,000 रुपये के आसपास भी है काफ़ी जगह पे, तो प्राइस बिल्कुल भी जस्टिफाइड इसका नहीं था, लेकिन अब इसका प्राइस बिल्कुल जस्टिफाइड है। सो बाइक को मैं 4th या 5th या 6th गियर के अंदर तो राइड नहीं कर सकता क्योंकि वैसा हमारे पास रोड है नहीं, लेकिन 3rd गियर तक जब मैं बाइक को राइड करके देख रहा हूँ ना, तो भाई 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बड़े आसानी से ये बाइक पकड़ लेती है, बहुत ही आसानी से पकड़ लेती है। तो नो डाउट यार, अगर परफॉर्मेंस आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है इस बजट के अंदर, तो फिर बिल्कुल आप इस बाइक के साथ जा सकते हो। टॉप एंड के मामले में तो मुझे लगता है कि ये ट्रायम्फ की स्पीड 400 से थोड़ा सा बेटर स्टैंड कर सकती है, क्योंकि इसकी टॉप स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर के आसपास की है, और ट्रायम्फ स्पीड 400 के अंदर थोड़ा सा स्पीडोमीटर के अंदर एरर भी है, लेकिन एरर इसके अंदर बहुत कम है और ट्रायम्फ स्पीड 400 के अंदर एरर काफ़ी ज़्यादा है। तो यार बिल्कुल भाई इस बाइक को चला के मज़ा आ गया है, और मेरा मन कर रहा है कि मैं अपनी ट्रायम्फ निकाल के इसको ले लूं। हालांकि इसके साथ भी आप टूरिंग कर सकते हो, बिल्कुल प्यार से कर सकते हो, और इसमें आपको माइलेज भी थोड़ी सी बेटर मिल जाएगी। ओके, तो एक बार बाइक की हर गियर में मिनिमम स्पीड क्या है उसको चेक करते हैं। मैं थ्रोटल से हाथ बिल्कुल हटा लूँगा और हर गियर में बाइक की मिनिमम स्पीड क्या रहेगी वो एक बार देखते हैं, बाइक झटके मारेगी कि नहीं मारेगी। तो अभी बाइक चल रही है 1st गियर में और 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। अब मैंने 2nd गियर लगा दिया है, 2nd गियर में चल रही है प्यार से, अभी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, और अब मैंने लगा दिया 3rd गियर, 3rd गियर में हल्के से झटके मारने स्टार्ट कर दिए, लेकिन अभी भी बाइक चल रही है और 13 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चल रही है अभी, लेकिन अभी झटके मार रही है बाइक, और मैं 4th गियर लगाऊंगा तो शायद बंद हो जाएगी, बंद नहीं हो रही है लेकिन झटके काफ़ी मार रही है। तो 2nd गियर तक आप इसको बिना एक्सेलरेट किए चला सकते हो, 3rd गियर में 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ये क्रॉस करती है और काफ़ी ऊपर भी जा सकती है। यार इसके ABS की कैलिब्रेशन भी मुझे बहुत बढ़िया लगती है, मतलब कि ABS ऐसा नहीं है कि किक इन कर जाता हो बहुत जल्दी ही, ABS बहुत जल्दी किक इन नहीं करता है, काफ़ी टाइम देता है उसके बाद जाके किक इन करता है। तो इसके ABS की कैलिब्रेशन भी मुझे बहुत ही बढ़िया लगी, नो डाउट यार बिल्कुल इस बाइक को राइड करके तो यार मुझे बिल्कुल इस बाइक से प्यार हो गया है। तो यार मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि कोई भी 300 cc या 250 cc बाइक खरीदने से पहले एक बार इसकी टेस्ट राइड लेके देखना। सो होंडा की जो इंजन रिफाइनमेंट और इंजन रिलायबिलिटी वाली बात है वो बिल्कुल आपको इस बाइक के अंदर देखने को मिलेगी, और जब तक आप इस बाइक को राइड करके नहीं देखोगे तब तक आपको फील नहीं आएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि एक्चुअल में ये कैसी बाइक है। ये जो नेकेड स्पोर्ट्स टाइप की बाइक्स होती हैं उनमें सस्पेंशन की ट्यूनिंग आपको थोड़ी सी स्टिफर साइड ही मिलती है, और उसी वजह से कम्फर्ट ठीक ठाक मिल जाता है इनके अंदर। अगर सस्पेंशन बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएंगे तो फिर
कंफर्ट उतना अच्छा नहीं मिलेगा। और एग्जॉस्ट नोट तो बहुत खतरनाक है यार इसका, सब मुड़ मुड़ के देखते हैं कि भाई कैसी बाइक आ रही है, कौन सी बाइक आ रही है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि यार बाइक बिल्कुल आई कैची है और लोग पलट पलट के देखते हैं कि हाँ कौन सी बाइक है। अभी तक जितना मैंने इस बाइक को राइड किया ना तो लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं एक्चुअल में कि ये कौन सी बाइक है। और एग्जॉस्ट नोट इसका खतरनाक है सच में। और इसके एग्जॉस्ट का जो थंब है वो एकदम यार सुपर बाइक के जैसा लगता है। राइडिंग स्टांस भी इसका हल्का सा मुझे ऐसा लगता है कि एकदम ऐसा लगता है कि मैं कोई सुपर बाइक राइड कर रहा हूँ, क्योंकि इस सेगमेंट में आपको इतनी हल्की कोई भी बाइक नहीं मिलेगी और ऐसी कोई भी बाइक नहीं मिलेगी जो आपको 35 टू 40 kmpl के आसपास की माइलेज भी ऑफर कर दे। क्योंकि इस सेगमेंट की जो बाइक्स हैं उनकी माइलेज आपको 25 टू 30 kmpl के आसपास की ही मिलती है। सो ये एक पैकेज बिल्कुल है जिसमें आपको परफॉर्मेंस भी अच्छी मिल रही है, माइलेज भी अच्छी मिल रही है, सस्पेंशन की ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, आपको इसके अंदर रो पावर मिल रही है यार, और बिल्कुल पावर के अंदर कोई भी कमी नहीं है यार इसके अंदर। और इसके अंदर हॉर्न की जो जगह दी है ना यार वो मुझे काफ़ी अनप्रैक्टिकल सी लगती है, मतलब वो बिल्कुल ही ऊपर दे रखी है, तो हॉर्न थोड़ा सा नीचे अगर होता तो थोड़ा सही रहता। लेकिन ये बहुत सही भी है कि बहुत ज़्यादा हॉर्न जो हम बजाते हैं ना, हम इंडियंस की बहुत ज़्यादा बेकार आदत है बार बार हॉर्न बजाना, वो इस बाइक के अंदर नहीं होगी। मतलब आप हॉर्न बजा ही नहीं पाओगे क्योंकि आपका हाथ अंगूठा जो है वो यहाँ पे हॉर्न बजाने के लिए यूज टू हो चुका है, लेकिन हॉर्न इसमें बजाना है तो वो ऊपर दिया गया है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हॉर्न हम नहीं बजाएंगे ज़्यादा। और इसका एग्जॉस्ट ऐसा है जब भी आप ट्रैफिक वाली कंडीशन में खड़े होगे ना तो एक दो बार तो आप ऐसे किए बिना नहीं मानोगे, क्योंकि यार हर किसी का दिल करता है अपनी बाइक का एग्जॉस्ट सुनने का। और बाइक बहुत ज़्यादा हल्की है यार, बहुत ही ज़्यादा हल्की है, इसको मैनूवर करना तो बहुत ही आसान है, कहीं से भी आप इसको बड़े प्यार से निकाल सकते हो यार, इतनी ज़्यादा प्यारी बाइक है ना। लेकिन हाँ यार अगर आप एक बिगनर राइडर हो तो इस बाइक से यूज टू होने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि एक बिगनर राइडर के लिए इस बाइक का जो एक्सेलरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। सो होंडा की CV300R एक सुपर लाइट वेट, सुपर पावरफुल, सुपर पंची मशीन है यार। और मैं अपनी फाइनल वर्डिक्ट इस बाइक के बारे में बताऊं तो यार बिल्कुल ये बाइक मुझे बहुत प्यारी लग रही है और बहुत अच्छा भाग रही है, रिस्पांस बहुत अच्छा है, बिल्कुल एक पॉकेट रॉकेट वाली बाइक है जिसमें आपको परफॉर्मेंस के साथ साथ माइलेज भी अच्छी मिल जाएगी, लुक्स डिजाइन और स्टाइल भी अच्छे मिल जाएंगे, प्रीमियम फीचर्स मिल जाएंगे जैसे कि अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स, ऑल LED लाइट्स का सेटअप, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, और स्पेस भी यार पिलियन के लिए भी डिसेंट स्पेस है। तो एक बार बाइक की टेस्ट राइड लेके जरूर देखना। सो इस वीडियो में यार फिर इतना ही, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कुछ भी वीडियो में पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। यहाँ पे आके आप होंडा की कोई भी बाइक की टेस्ट राइड लेके देख सकते हो, और बिग विंग वाली सारी बाइक्स यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेंगी। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, टिल देन राइड सेफ, ड्राइव सेफ।